नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम शुभ जन्मदिन मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी आपके लिए आज का दिन बेहद मंगलकारी है शुभकामनाएं यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आज दिनांक 10 अक्टूबर को जिनका भी जन्मदिन है उन सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं निस्संदेह आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज के सूर्योदय की जो किरण थी उस दौरान जो ग्रहों की स्थितियाँ थी वो ग्रह निर्धारित करेंगे कि आपका आने वाला पूरा साल हर क्षेत्र में कैसा फल देगा जैसे पढ़ाई में क्या देगा व्यापार में क्या देगा प्यार मोहब्बत में क्या देगा स्वास्थ्य में क्या देगा गवर्नमेंट सेक्टर में क्या देगा हर चीज के लिए मैं बताऊंगा तो इससे क्या होगा कि आप पहले प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तैयार हो गए कि अच्छा अब ये होने वाला है चलो हम इसके लिए यह तैयारी करते हैं जैसे चोट लगने वाली है संभल जाए पढ़ाई के मामले में आज जन्म पाए लोगों के लिए पूरा साल ऑन एवरेज दस प्रतिशत शुभ होगा जैसे पिछले साल पचास था तो इस साल आप साठ पाएंगे बड़ी उपलब्धि है नवंबर दिसंबर में कुछ व्यक्तिगत मसलों को लेकर के विद्या अध्ययन आपका प्रभावित हो रहा है जनवरी फरवरी पीजी वगैरह को लेकर के परेशान हो जाएंगे आप मार्च अप्रैल का एग्जाम वाला टाइम 10-15 प्रतिशत बढ़ा लीजिएगा जो सोचे होंगे व्यापार थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा व्यापार संभव है कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाए व्यापार को लेकर के घाटा हो सकता है जनवरी फरवरी बहुत मेहनत मांगेगा मार्च अप्रैल धोखा होगा मई जून जमीन का लाभ होगा जुलाई अगस्त वाहन सुख है इसके बाद सरकारी मशीनरी से सितंबर अक्टूबर के आसपास में कुछ परेशानियां हो सकती हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में कुछ ऊंचाई छूने जा रहे हैं दिसंबर और जनवरी में प्रमोशन तो लगभग तय मानकर चलिए फरवरी मार्च निस्संदेह आपके लिए सकारात्मक रहेगा अप्रैल और मई अगेन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जून जुलाई धन का लाभ है उनके कार्य बन जाएंगे कमोबेस गवर्नमेंट और प्राइवेट में मिला जुला करके मेहनत प्राथमिकता हो दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो स्टार्टिंग में प्रभावित तो है दिसंबर जनवरी में लेकिन मार्च अप्रैल आते आते अगर इधर संभल गया तो मार्च अप्रैल तक आते आते पुनः पैचअप होगी तो जस्ट गिव यू एंड योर रिलेशनशिप एंड अदर चांस एक और मौका दे दीजिएगा मार्च अप्रैल तक तो। ठहरिए रुकिए मई जून रिश्ते में गर्माहट रहेगी समस्याओं से बाहर आएंगे मीटिंग्स सफल होंगी रिश्ता बच जाएगा जुलाई अगस्त किसी अन्य का प्रवेश एक बार फिर से आपको परेशान करेगा और सितंबर आते आते सेपरेशन की नौबत पुनः आएगी बोलो सियावर रामचंद्र की जय प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए खास तौर तो पर रिश्ते को संभालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल आएगा बाकी के लिए तो ठीक है लव लाइफ देखिए लव लाइफ ये आज जो पैदा हुए हैं इनके ईगो पर उसकी सांसें चलेंगी तो अगर आज आपका हैप्पी बर्थडे है और आप लव लाइफ में हैं तो थोड़ा सा ईगो को साइड रखिएगा लव लाइफ एंजॉय करिएगा स्वास्थ्य के मामले में आँख और बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान करेगी लीवर और किडनी को लेकर के भी दिसंबर जनवरी के हिस्से लेकर मई जून तक परेशान रहेंगे सांसों की दिक्कत जुलाई अगस्त में आएगी बैक और अकस्मात चोट मार्च और फरवरी भी परेशान करेगा उपाय क्या करना भैया अब आइए उसकी तरफ हम लोग रुख करते हैं तीन बच्चों की पढ़ाई में मदद करके किसी बुजुर्ग को दवा का दान कर दीजिएगा ये आपके लिए उपाय है और आज जिनकी शादी की, की सालगिरह है उनके लिए किसी पीपल के नीचे एक दिया जला के पति पत्नी लगातार तीन शनिवार जला दें बहुत आभार आप लोगों का शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू सो मच आज और कल दो दिन पुणे इसके बाद तीन दिन मुंबई अपॉइंटमेंट ले लीजिए नमस्कार